एवरीवन, स्वागत है आपका रिविट आर्किटेक्चर बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ में, और ये है वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम जानेंगे वॉल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वॉल्स में क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है इंजीनियर्स फॉर सिविल पर आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको जो आने वाले ट्यूटोरियल्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि ये ट्यूटोरियल सीरीज़ पूरी बेसिक टू एडवांस होगी, इसके बाद रिविट स्ट्रक्चर और रिविट MEP भी इसमें स्टार्ट होगा। और इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के सभी सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल देख सकते हैं आप, स्टैट प्रो, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ थ्योरी के क्वेश्चन हैं, ऑटो कैड है, ETAB है, NCZ अबाकस है, रिविट आर्किटेक्चर है, और बहुत सारा सिविल से रिलेटेड डाटा है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सिविल इंजीनियर्स के कोई भी सॉफ्टवेयर होगा आप यहाँ से सीख सकते हैं, पूरी कंप्लीट बेसिक टू एडवांस सीरीज आपको मिलेगी। साथ में आप और भी ज़्यादा डाटा चाहते हैं अगर सिविल इंजीनियर्स का, तो आप मेरी वेबसाइट www.engineersforcivil.com पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिविट ओपन कर लेते हैं। रिविट 2016 में हम काम कर रहे हैं, इससे पहले दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप बेसिक से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ उन दो वीडियो को पहले वॉच कर लीजिए, उसके बाद आप थर्ड वीडियो पे आ जाइए। इस थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्स की। तो मैं ये आपका आर्किटेक्चर टेम्पलेट, ये टेम्पलेट और ये वेलकम स्क्रीन के बारे में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जैसे हमने आर्किटेक्चर का टेम्पलेट लिया तो ये विंडो आ जाती है जिसमें चार डायरेक्शंस हैं हमारी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ और वेस्ट। ठीक है, अब हमें वॉल क्रिएट करनी है। अभी हमारा अच्छा डिफ़ॉल्ट जो हमारा व्यू है वो क्या है, हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू है प्लान, लेवल 1 फ्लोर का प्लान। ठीक है, प्लान मीन्स टॉप व्यू। अब मैं अगर यहाँ पर वॉल पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं इस वॉल पे माउस ले आता हूँ तो हमें शॉर्टकट की WA मिल जाता है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो तुरंत यहाँ पे क्लिक करते ही इसका मॉडिफाई पैनल आ जाता है और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, तो अभी जो डिफ़ॉल्ट वॉल इन्होंने लिया है जेनरिक 200 mm, यूनिट्स हमारी mm में, और जो थिकनेस है वॉल की वो 200 mm की वॉल अभी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। अभी इस प्रॉपर्टी की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने वॉल ले ली है। अब अगर आप बिगनर हो तो आप के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इसी एरिए के बीच में वॉल बनाएं। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है अभी इसी के बारे में बनाएं, इसके आउट में कैसे बनाते हैं और क्या हम कर सकते हैं इनको मूव, वो हम सीखेंगे आगे एडवांस में। अभी बेसिक है तो इसमें देखिए हमें इसी के बीच में हमने एक वॉल बनाई। यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगर हम जूम करके देखते हैं कि वॉल जब हम एक जगह क्लिक करके माउस को ड्रैग कर रहे हैं तो एक तो सेंटर लाइन आ रही है, एक ये एरो बता रहा है हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, साथ में हमारी डायमेंशंस भी आ रही हैं। ठीक है, हमारी डायमेंशंस आ रही हैं, लेंथ कितनी है। तो मैं या तो अपने हैंड को मूव करके ऐसे करूं, या फिर मैं ना अगर मेरे को 2 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो 2000 में टाइप करके एंटर कर देता हूँ। ठीक है, एंटर करने के बाद नीचे की तरफ डायरेक्शन दे देता हूँ 90 डिग्री, और उसके बाद फिर मैं 2000 की एक वॉल, 2000 मीन्स 2 मीटर की ड्रॉ कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं 2000 और ऊपर जाके उसे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक करिए, 2 बार मैं कैंसिल करता हूँ जो इस पूरे वॉल के कमांड से मैं बाहर आ जाऊँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऐसे था वो ऑटोमेटिक ट्रिम हो गया। ठीक है, ऑटो कैड में ट्रिम करना पड़ता है और रिविट आर्किटेक्चर में ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाता है। तो ये हमारी 4 वॉल बन चुकी है जिनकी थिकनेस जो है 200 mm है, इनकी थिकनेस है 200 mm है, क्योंकि हमने वहाँ पर जो वॉल ली थी वो 200 mm ली थी। ठीक है, यहाँ पे, और ये कौन सा व्यू है, ये है आपका टॉप प्लान। प्लान में हमें एक तो बी वॉल की लेंथ दिखाई देती है और एक हमें दिखाई देती है थिकनेस। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम 3D व्यू में जाते हैं। यहाँ से ये चले गए हम 3D व्यू में। अब ये 3D व्यू में एक बॉक्स टाइप का दिखाई दे रहा है, इसकी वॉल की हाइट हमने कितनी दी है वो चेक करना है, कैसे एक अपने अकॉर्डिंग वॉल की हाइट दे और कैसे हाइट देने के बाद उसको मॉडिफाई करें, ये सब सीखते हैं। उससे पहले ये देखिए आपको यहाँ पे विजुअल स्टाइल व्यू है, तो यहाँ पे यहाँ देखिए कितने सारे दिए हुए हैं, रियलिस्टिक में ऐसा आ जाएगा, वायर फ्रेम में इस तरह से आ जाएगा,
और शेडिड में इस तरह से आ जाए। हम शेडिड में काम करते हैं और सब में पीसी हैंग होगा, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हो और स्क्रॉल प्रेस करते हो तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, शिफ्ट प्लस माउस का स्क्रॉल, फिर माउस को ड्रैग करोगे तो देखिए, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके इस रिंग पे क्लिक करके सीधा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फ्लोर के लेवल वन पे जाएंगे तो आप वहीं पर पहुँच जाएंगे, अगर आप नॉर्थ पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगी ये हमारी एलिवेशन, ये दो लेवल्स 4 मीटर की हाइट पर, ये 0 और ये 4, ये 4 मीटर, ये डिफ़ॉल्ट पहले से थे, मैंने नहीं बनाए हैं। पर हमारी वॉल की कितनी की बनी, आई थिंक 8 मीटर की हमारी वॉल बनी है। कैसे 8 मीटर की बन गई और हमें बनानी कितनी चाहिए थी और कैसे इसको मॉडिफाई करें वो सब सीखते हैं। उसके लिए हम जाएंगे 3D में, तो 3D में हम जाते हैं दोबारा से, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 4 वॉल हैं, अगर मैं किसी एक वॉल के टॉप पे क्लिक करता हूँ तो एक एरो नज़र आ रहा है, ये रहा, ठीक है, ये एरो। अगर इस एरो को पकड़ के मैं ऊपर नीचे करूँ तो वॉल की हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ, बट एक्यूरेट नहीं जितनी मेरे को करनी है, ठीक है। मेरे को करनी है 4 मीटर, तो मैं क्या करूँगा, जब मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बॉक्स आ गया इस वॉल का। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए वॉल का लेवल क्या है, लेवल वन, यानी कि लेवल वन से स्टार्ट है, ये क्या है लेवल वन, और इसके बाद 4 मीटर पे है लेवल टू, दो लेवल है हमारे पास, ये आउट ऑफ लेवल है, ठीक है, लेवल वन से। अब ये कह रहा है बेस ऑफसेट, बेस ऑफसेट का मतलब है लेवल वन से कितनी ऊंचाई से वॉल बननी स्टार्ट हो गई है, तो लेवल वन तो ये तो 0 से लेवल वन से चिपकी हुई है वॉल। अगर हम थोड़ा सा उठाना चाहें, या अगर मैं 500 डाल दूँ एंटर, ये देखिए, ठीक है। अगर हम इसे नॉर्थ में देखते हैं तो देखिए ये वॉल जो है हमारी 500 mm यहाँ से उठ गई है लेवल वन से, ठीक है। अब दोबारा हम जाते हैं 3D में और इस वॉल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसका बेस 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हमने वॉल ड्रॉ की थी तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था आपका अनकनेक्टेड, और अनकनेक्टेड के आगे डिस्टेंस डिफ़ॉल्ट ले रही थी 8 मीटर, तो वो 8 मीटर की हाइट डल गई है, ठीक है। तो हमें बनाते वक्त यहाँ ध्यान रखना चाहिए था, कोई बात नहीं, अगर हमें ठीक करना है तो हमने इसको क्लिक किया वॉल को और यहाँ पे देखिए हमने 8 मीटर से ड्रैग करके 4552 कर दिया, अब इसे 4 मीटर कर देते हैं एंटर, अब ये 4 मीटर की हो गया। इसी तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ 4 मीटर, या फिर आप क्या कर सकते हो इस पर क्लिक करके यहाँ पे अनकनेक्टेड को लेवल वन कर दो, लेवल वन क्या है हमारा 4 मीटर, ठीक है। और हाइट कितनी है इसकी, इस पर क्लिक किया हमने और हाइट ले ली 4 मीटर, इसी तरह इस पर हमने क्लिक किया और हाइट ले ली 4 मीटर, ठीक है। सभी की 4 हो चुकी है, अब हम प्लान पे जाते हैं लेवल पे डबल क्लिक करके, ये रहा। अब हम क्या करते हैं दोबारा से वॉल लेते हैं और यहाँ पे अनकनेक्टेड नहीं लेवल 1-2 डालते हैं, और अब यहाँ पे मैं एक वॉल बनाता हूँ, थोड़ा सा इससे छोटा डायग्राम बनाएंगे, इससे हमें पहचानने में आसानी, ठीक है, ये रहा। अब इसको 3D व्यू में चेक करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक ही है हमारी, अगर हम नॉर्थ में जाके देखें ऑटोमेटिक हमारा छोटा वाला जो बॉक्स है वो लेवल 2 तक ही बनाए, ठीक है। अगर लेवल हम और ज़्यादा बना दें, एक लेवल बना लेते हैं, चलिए लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, LL प्रेस करेंगे, ये आ गया लेवल, और मैं यहाँ पे लेवल में ऑफसेट डाल देता हूँ 3.5 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर ले लेता हूँ ग्रीन लाइन, ये एक लेवल 3 बन चुका है, ठीक है। अब हम जाते हैं दोबारा से प्लान में और वॉल बनाते हैं, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेवल 3 और एक और वॉल बनाते हैं हम, ठीक है, इसको और छोटा रखते हैं हम, बस ऐसे ही पहचानने के लिए, ठीक है। ये वॉल थोड़ी टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं, अब 3D व्यू में देखते हैं तो देखिए ये हमारी वॉल बनी है लेवल 3 तक। तो इस तरह से हम प्लान में जाके वॉल बनाएंगे और वो डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ तक बनाना है, ठीक है।
अब देखिए बोल के बाद एक आ रहा है आपका ये चीज, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं है मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक और मेन पॉइंट है आपको, वो बताऊंगा मैं अभी, वो कहीं नहीं मिलेगा, ये बता देगा हर कोई, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है जो नहीं बता पाएगा कोई। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बोल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखने वाली बात है, ये जो वोल हम बना रहे हैं, ये वोल बन कहाँ से रही है, इसकी सेंटर लाइन से, डॉट डॉट से सेंटर लाइन दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरी वोल बनाते हैं यहाँ पे क्लिक किया, और वो भी इसकी सेंटर लाइन से, देखिए इसकी सेंटर लाइन से स्टार्ट हो रही है और इसकी सेंटर लाइन से, तो ये सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन वोल बन रही है। और मेजरमेंट भी वोल की लेंथ भी, लेंथ की अगर वोल भी देखेंगे आप, वोल की लेंथ भी देखेंगे, तो वो भी सेंटर टू सेंटर ही मेजर हो रही है, ठीक है। ठीक है अब हम जाते हैं इसको सेंटर को चेंज करते हैं। अभी कोर, मैं इस कोर सेंटर लाइन की बात कर रहा था, जो कोई नहीं बताता है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं फिनिश फेस एक्सटीरियर, एक्सटीरियर याद रखना। अब देखिए हमारी बॉल कहाँ से बन रही है, अब हमारी सेंटर लाइन ये है, एक्सटीरियर आउटर हमारा जो एज है बॉल की, ठीक है। और जो हम दूसरी बॉल बनाएंगे वो भी इसी तरह से बनेगी, ठीक है। ओके अब हम कर देते हैं इसको फिनिश फेस इंटीरियर। अब हम बॉल बनाते हैं तो देखो, अब ये है हमारा इंटीरियर, ठीक है, ये यहाँ से हर चीज़ मेजर हो रही है, इस तरह से हम बना देंगे। अब बात आती है इसकी कि ये क्या है कोर फेस, अभी ये कोर सेंटर, कोर फेस एक्सटीरियर, कोर फेस इंटीरियर, ये वैसे ही काम करेंगे जैसे फिनिश फेस, फिनिश इंटीरियर, वॉल इंटीरियर, जिस तरह से ये है। इनमें फ़र्क क्या है, देखिए आपकी एक पास एक वॉल है ये, और इस वॉल के आपके ऊपर आपने कर दी फिनिशिंग, टाइल्स लगा दी, ठीक है। अब इस वॉल की जो सेंटर लाइन पहले क्या थी, पहले ये सेंटर लाइन थी, वॉल सेंटर लाइन, और अब सेंटर लाइन क्या होगी, कुछ शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि इसकी थिकनेस चेंज हो गई है, ठीक है। तो सेंटर लाइन चेंज होगी, तो ये वाली जो अभी चेंज सेंटर लाइन है, ये होती है वॉल सेंटर लाइन, और जो पहले से वॉल की होती है बिना फिनिशिंग के, वो आपकी बन जाएगी अब कोर सेंटर लाइन, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाली एज है, ये हमेशा कोर एक्सटीरियर, कोर इंटीरियर रहेंगी, लेकिन जो हमारी फिनिश एक्सटीरियर और फिनिश इंटीरियर है वो डिपेंड करेंगी फिनिशिंग के ऊपर। अभी क्योंकि इन वॉल में कोई फिनिशिंग नहीं है, तो दोनों चीज़ सेम काम करेंगी, यही होगी आपकी फिनिशिंग एक्सटीरियर, और यही होगी आपकी कोर फिनिशिंग एक्सटीरियर, कोर एक्सटीरियर सेंटर लाइन। अगर आप यहाँ पे फिनिशिंग कर देते हैं तो ये रहेगी कोर और ये बन जाएगी फिनिशिंग। तो जब हम फिनिशिंग करते हैं किसी वॉल की, तब हमारे वॉल फिनिश फेस एक्सटीरियर ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमारा कोर तो वही रहता है जो हमारा वॉल का है, ठीक है। तो ये आपको कहीं मिलेगा नहीं ये बात, इसको याद रखना, ठीक है। अब हम वॉल बनाते, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑफसेट, ऑफसेट में अगर मैं 2000 डाल दूँ तो क्या होगा, देखिए देखिए क्या हो रहा है, मैं वॉल तो यहाँ क्लिक करके यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन वॉल बन का रही है, बन रही है आपकी 2 मीटर के बाद, ठीक है। 2 मीटर के बाद आपकी वॉल ड्रॉ हो रही है, उतने ऑफसेट पे बन रही है। तो अब इसको 0 0 कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ये रेडियस। अगर रेडियस पे क्लिक कर कर मैं डाल देता हूँ 1000 रहने देता हूँ, और वॉल बनाता हूँ ये सीधी वॉल, फिर ये नीचे की वॉल बनाई, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक 1000 रेडियस का एक कर्व बन गई, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पैनल्स हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे कि कर्व है, ये कर्व, अगर हम इस कर्व को लेके एक और दो वॉल पे क्लिक करूँ, तो देखिए माउस को ड्रैग करेंगे तो ये पूछेगा रेडियस, और जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पे ये कर्व बना देगा। उसी तरह रेक्टेंगुलर बनानी है अगर, तो रेक्टेंगल बन जाएगी, उसी तरह ट्रेपोजॉइडल बन जाएगी वॉल, ठीक है, और उसी तरह यहाँ से बन जाएगी, इधर से सर्कुलर वॉल बन जाएगी ये। अगर हम 3D में देखें तो आपको इस तरह से शेप्स नज़र आएंगी, ठीक है। अब प्लान में जाते हैं हम, तो अब इसको कंट्रोल ए या ऐसे ड्रैग का, देखिए आप एक चीज़ और बताता हूँ मैं, उसमें ऑटो कैड की तरह अगर हम ऐसे इस डायरेक्शन में अगर हम ड्रैग करते हैं, तो दो चीज़ अगर थोड़ी भी आती है उस एरिया में, तो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस डायरेक्शन में के लिए पूरा आना चाहिए ऑब्जेक्ट ड्रैगिंग एरिया के अंदर, तो सेलेक्ट किया,
डिलीट किया और हम एक वॉल बनाते हैं, यहाँ पे करते हैं वॉल सेंटर लाइन और यहाँ पे 2 लेवल तक करते हैं, ठीक है। और ये मैंने एक प्लान बनाया है, एक रफली प्लान बना लेते हैं, ठीक है। और ये है आपका एक रूम, एक रूम है आपका ये, ठीक है। और यहाँ पे है आपका एक किचन और यहाँ पे है आपका एक वॉशरूम, ठीक है। लेकिन यह मैंने लेवल किया हुआ है 2 सिलेक्ट, ठीक है। और अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेवल 3 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक वॉल बनाता हूँ। इस वॉल का लेवल क्या है हमारा, 3, इस तरह से, ठीक है। अब इसका 3D व्यू चेक करते हैं, तो देखिए ये हमने बनाया था 3 लेवल का और ये बनाया था हमने 2 लेवल का, ठीक है। इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक दिस एंड शेडिड दिस। तो ये था वॉल्स के टाइप्स और वॉल कैसे बनाते हैं। अगर इस पैनल को, प्रॉपर्टी पैनल को, जब हमने वॉल पे एक बार हम कैंसिल कर देते हैं कमांड, वॉल पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है वॉल बेसिक जेनरिक 200 mm थिकनेस। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए बहुत तरह की वॉल आती हैं, जैसे कि एक वॉल बना लेते हैं, बना के देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको डिटेल में हम किसी और ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वॉल पे क्लिक किया और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक मैशनरी वॉल, ठीक है। एक यहाँ से बना देते हैं मैशनरी वॉल और एक वॉल बना देते हैं हम ब्लॉक वॉल, जो इसको कनेक्ट करते हुए, ठीक है। और हम एक वॉल बना देते हैं कर्टेन वॉल, ठीक है। डिफरेंट टाइप की वॉल हैं, इनको एक एक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझ सकते हैं। अब इसको 3D में चेक कर लें एक बार, ये देखिए यदि ग्लास की तरह लग रही है, और ये आपका ब्रिक वॉल मैसनरी वॉल है और ये सिंपल आपकी सिंपल वॉल है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट वॉल्स, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकें। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी कम पसंद आ रही हो, क्योंकि बेसिक है, बेसिक तो लगभग सभी को आता है, लेकिन एडवांस में हम एक एक चीज़ को, जो वीडियोज़ आपकी एक एक दो दो घंटे की बनने वाली हैं, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो थैंक यू।